जब बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर 2 से 3 करोड़ में फिल्म बना देता था, तब बोनी कपूर ने 9 करोड़ से ज्यादा की भारी भरकम रकम लगाकर फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा बनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और जलवा में मैं हूं आपके साथ मलिका मल्होत्रा। 11 नवंबर का दिन बोनी कपूर के जन्मदिन का है। बोनी कपूर 66 साल के हो गए हैं। रूप की रानी चोरों का राजा जैसी महंगी फिल्म बनाने की हिम्मत उस दौर में बोनी साहब ने ही की थी। दरअसल हुआ यूं कि मिस्टर इंडिया की कामयाबी के बाद बोनी कपूर को लगा कि अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी को फिर आजमाया जाए। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मील का पत्थर साबित हो। अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि ये फिल्म क्यों इतनी महंगी फिल्म कही जाती है। भारी कॉस्ट्यूम, लोकेशन, ट्रेन का इस्तेमाल, ये सब कुछ फिल्म को महंगा, बहुत महंगा कर गए। आलम ये था कि उस दौर में अनिल कपूर अपने भाई बोनी कपूर के इस सपने को कामयाब करने के लिए खुद कई फिल्में साइन करने लगे, जिससे कि भारी बजट की इस फिल्म में वो अपने भाई का साथ दे सकें। लेकिन जब 16 अप्रैल 1993 को फिल्म रिलीज हुई तो पिट गई। बॉक्स ऑफिस पर पब्लिक ने फिल्म को नकार दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 9 करोड़ 20 लाख में बनी ये फिल्म कुल 2 करोड़ 70 लाख का ही कलेक्शन कर पाई, जो कि हर लिहाज से एक बड़ा झटका था। फिल्म पिट गई और बोनी कपूर तबाह हो गए। कर्ज में डूबे बोनी को निकालने के लिए श्रीदेवी ने अपनी कई प्रॉपर्टी तक बेच दी। बोनी कपूर को इस कर्ज से निकलने में वक्त लग गया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी, ऐसा पहले भी कई फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ हुआ है। राज कपूर भी मेरा नाम जोकर बनाकर एक तरह से बर्बाद हो गए थे, लेकिन बाद में फिर उठ खड़े हुए। बोनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस फिल्म की नाकामयाबी के सालों बाद अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में रूप की रानी चोरों का राजा के फ्लॉप होने पर खुलकर बात की। अनिल कपूर ने कहा था कि फिल्म नहीं चलेगी, इसका एहसास उन्हें रिलीज से पहले ही हो गया था। फिल्म के प्रीमियर में पहुंचे सुभाष घई और अमिताभ बच्चन से खुद अनिल कपूर ने कहा था कि फिल्म चलेगी नहीं, लेकिन तब सुभाष घई ने समझाते हुए कहा था कि बड़ी फिल्में कई बार कुछ वक्त बाद रफ्तार पकड़ती हैं। इसके लिए उन्होंने हीरो और कर्मा का उदाहरण भी दिया था। पहले इस फिल्म को मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर रहे शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे। बाद में उन्होंने खुद को फिल्म से अलग कर लिया और कमान उनके असिस्टेंट रहे सतीश कौशिक के हाथ में आ गई। अप्रैल में फिल्म ने अपने रिलीज के जब 25 साल पूरे किए, तब सतीश कौशिक ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा था कि 25 साल पहले ये फिल्म फ्लॉप रही थी, ये मेरे दिल के करीब थी, मेरा पहला बच्चा था, मैं बोनी कपूर से माफी मांगता हूँ। दरअसल बतौर डायरेक्टर ये सतीश कौशिक की पहली फिल्म थी। बोनी कपूर ने एक बड़ा ब्रेक सतीश कौशिक को दिया था। तमाम क्रिटिक्स ने फिल्म की स्क्रिप्ट को नाकामयाबी की एक बड़ी वजह माना। फिल्म की स्क्रिप्ट मशहूर स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर ने लिखी थी। फिल्म की कहानी 2 मासूम बच्चों के अपने परिवार से बिछड़ने से शुरू होती है, जिनके पिता का कातिल एक ही है, मगर उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दोनों किसी अनाथालय में मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। बाद में एक बनती है रूप की रानी और दूसरा बनता है चोरों का राजा, और दोनों का मकसद अपने पिता की मौत के गुनहगार को पकड़ना है। फिल्म में अनिल कपूर, श्रीदेवी के अलावा अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, जॉनी लिवर और परेश रावल भी हैं। फिल्म के गाने कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार ने गाए। फिल्म जितनी महंगी थी उसे बनने में भी उतना ही वक्त लगा, लेकिन ये बात ठीक है कि रूप की रानी चोरों का राजा अपने तरह के एक्सपेरिमेंट की अकेली फिल्म मानी जाती है। जलवा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और देखते रहिए आज तक डिजिटल। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।